गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे अखंड भारत के बहुत सारे बातें कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कौन से सोर्सेस से पता चलता है, तमिल प्रोविंस के बारे में हमें कौन से रिसोर्सेज से पता चलता है, नृत्य के बारे में कौन से रिसोर्सेज से पता चलता है, ये सारी बातें। सबसे पहले हम जानते हैं मौर्यन एम्पायर, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ये हमें पता चलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र से। चाणक्य एडवाइजर थे मौर्यन एम्पायर के। अगर हम जाने चाणक्य जो थे, ये तक्षशिला भारत की पहली जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, उसमें पढ़ाते भी थे, वहाँ के गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया था। जो तक्षशिला है वो आज पाकिस्तान में है। जब पार्टीशन हुई 1947 में, तब वो तक्षशिला पाकिस्तान के पेशावर शहर में रह गया। तक्षशिला जो था उसको बनाने में राजा राम के जो भाई थे भरत, उनके बेटे के नाम पे रखा, उस यूनिवर्सिटी का नाम उनके बेटे के नाम पे रखा गया था, तक्ष। हम बड़े सारे क्लासिकल डांसेस के बारे में जानते हैं भारत के। ये भी बहुत पुराने क्लासिकल डांसेस हैं, ये आज के नहीं है, ये भी कहीं सदियों पुराने भारतीय मुनि ने लिखे थे क्लासिकल डांसेस को। भारत में डिफाइन किया था इन्होंने कि कितने क्लासिकल डांसेस, 7 क्लासिकल डांसेस हैं जो भारतीय मुनि ने हमें बताए। और ये जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं, ये सारे ही रास लीलों पे होते हैं। कहीं कृष्ण भगवान की रास लीलों पे होते हैं, कई पुराणस पे होते हैं। ये अलग अलग क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक। ये भारत के अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। एक कथक को छोड़, कथक जो है ये लखनवी घराना और वाराणसी घराना से बिलोंग करता है, ये नॉर्थ इंडियन डांसेस है। बाकी कथकली, मोहिनीअट्टम, ये दोनों ही क्लासिकल डांसेस केरला से हैं। ये दोनों ही पुराणों या कृष्ण लीला पे आधारित हैं। भारत मुनि ने हमें इन डांसेस के बारे में बताया। संगम लिटरेचर, हम अगर साउथ इंडिया के बारे में जाना है तो संगम लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। संगम लिटरेचर हमें साउथ इंडिया के बारे में बताता है। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू। जय हिंद।